फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं मंदिर वगैरह जाकर आ गई हूँ। खाना वगैरह भी सब साथ में ही बना रही हूँ। और अभी जैसे कि रूम की वगैरह कर रही हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग, पर क्लीनिंग प्रॉपर आज नहीं होगी क्योंकि आज मुझे जाना है शॉप पर। हालांकि रोज़ाना ही जाना रहता है, पर अभी मैं मेरी क्लीनिंग है वो रूम की क्लीनिंग है वो स्किप रख रही हूँ। दो तीन दिन बाद करेंगे ताकि सारा मेरा जो शॉप का काम है वो निपट जाए। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रूम वगैरह अरेंज कर रही हूँ और साथ ही में अब बनाते हैं खाना। तो चलिए, अभी बन रहा है खाने में पनीर भुर्जी और ये पनीर का मसाला। पनीर भुर्जी का मसाला नाक में चढ़ गया मसाला, सॉरी, क्योंकि मुझे है ना मसाला अलग से पका के फिर डालने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक साथ कभी भी नहीं डालती हूँ। एक तरफ मसाला पक रहा है, उसका क्या टेस्ट आने वाला है, शानदार वाला। सब्जी बन चुकी है और ये दाल भी बन रही है, उबल रही है, दाल भी बन गई है, चावल बन गए हैं। बस अभी बनाती हूँ रोटियाँ। तो चिकू ने बोला आज लच्छा पराठा खाना है, तो आज लच्छे पराठे बनाएंगे। तो लच्छे पराठे की मैंने रेसिपी आपको एक व्लॉग में किसी में दे रखी है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर लच्छा पराठा बनाना बताया हुआ है। तो मैं फटाफट से बना देती हूँ पराठे और चिकू को बुला देती हूँ क्योंकि चिकू को लग गई भूख। लच्छे पराठे सारे ही बन गए हैं, बस ये लास्ट में पका रही हूँ। इसको अच्छे से पकने के बाद पलटाते हैं। ये सारे पराठे बनके तैयार, लच्छे वाले। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज तो चिकू को, क्योंकि उनके फेवरेट है लच्छे के पराठे और पनीर की कोई भी सब्ज़ी। हालांकि उनकी ऑल टाइम फेवरेट तो पनीर भुर्जी है, तो आज मैंने पनीर भुर्जी ही बनाई है। बाकी आज मेरी इच्छा थी कि पनीर और दही पनीर बनाऊँ कुछ अलग टाइप का, क्योंकि मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, पर नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगे। अभी तो इससे ही काम चला लो आज तो। तो चिकू जैसे ही आते हैं वैसे हम व्रत करने बैठ जाएंगे। व्रत करने के लिए मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ, सारा डाइनिंग पे सब जमा देती हूँ, यानी उठना नहीं पड़े बार बार। उठना क्या, उठ ही नहीं सकते, इसलिए उठना नहीं पड़े। अभी हम खोलने बैठे हैं व्रत। प्लीज़ डोंट माइंड, हमारे घर में अभी बहुत बिखेरा है क्योंकि सफाई चल रही है इसलिए। तो अभी हम व्रत खोलने बैठे हैं। ये सारा खाना इधर जमा दिया, कम्प्लीट प्रॉपर। बिना दीदी देख लो मेरी प्लेट है, ये देखो बटर है अंदर डालो, देख रही होगी झाड़ली। फिर बोलेगी चिकू तो इतना खाता है। आज अनु मैडम आए हुए थे सुबह से, पर अभी आपको हम उससे मिलवाते हैं क्योंकि हम सुबह से मैं काम में ही थी, क्योंकि भाई जी आज आए नहीं थे इसलिए सुबह से काम में जुटी हुई थी, इसलिए कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई हूँ मैं। और अंजलि आई है, ये बैठी है, आज कुछ फंक्शन में आई थी। तो अभी हम गए थे भाभी की शॉप पर, तो कुछ करके आए हैं शॉपिंग और अच्छा लगा अंजलि को भी शॉपिंग करके। मैं भी क्या करने वाली थी, कुछ दूसरा नाम लेने, ज्योति ही करने वाली थी। ज्योति कर लेती है ना दिन भर, हाँ इसलिए। तो अभी हम जाके आए हैं और आज मैं शॉप पर भी जा नहीं पाई हूँ। अभी 5 तो बज ही चुकी है, पर मेरा कुछ भी काम हुआ नहीं। आज ट्यूटोरियल बनाना था वो भी नहीं बना क्योंकि मैं 3:30 बजे तो फ्री हुई हूँ। इसलिए मैंने कल करवा दी थी हेयर में ऑयलिंग और अभी मैं करवा दूंगी हेयर वॉश, क्योंकि मैं आ गई हूँ शॉप पर और अंजलि भी चली गई है कल्याणपुर। आजकल वो पियर में है, पियर के मज़े ले रही है। और अभी अपन भी करवा देते हैं हेयर वॉश, क्योंकि कल ऑयलिंग करवाई थी तो घर पे शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरा एक पैर यहाँ पर पड़ा हुआ है शैम्पू का और एक घर पर, तो ख़त्म हो गया वो वाला यहाँ पर है। तो मैंने सोचा वहाँ चलो सलून पर ही जाके करवा दूँगी। और आज मैं बिज़ी भी इतनी थी, मेरे को टाइम ही नहीं था मैं हेयर वॉश कर पाऊँ इतना। तो चलिए करवा देते हैं अब हेयर वॉश मैंने अभी करा दिया है और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं सुबह से इतनी बिजी हूँ तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। अभी चिकू फ़ोन कर रहे थे तो लग नहीं रहा था, तब पता चला कि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। अभी बालों को कर देते हैं ड्राई। Thank you.
ज्योति को सिखा रही थी मैं एक हेयर स्टाइल, जैसे कि आपने देखा होगा टाइम लैप्स के अंदर, पर अभी मैंने लगवाई मेरे पैरों पर नेल पेंट, कैमरा बंद था, मुझे पता ही नहीं, और मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी इसलिए पता ही नहीं चला। अभी चल रहे हैं आगे, आगे कुछ काम है तो निपटा लेते हैं। अभी हो गया है हमारे आगे कंप्लीट काम, तो अभी जा रहे हैं घर पर, तो चलिए घर पर चलते हैं। चल, बाल सही हो गए। अब तो क्या हैंडसम दिख रहे हो, इसलिए इतने इतना मत, मैं भी तुम्हारे जैसे करा दूंगी बाल। बॉब कट, बॉब कट। अभी यहाँ पर लाइव पबजी चल रहा है, लाइव पबजी चार। ये कल रन आई थी वो है, चलो कहाँ का खड़े रह के खेलोगे बताओ। चलो लाइव पबजी, मैं कहाँ का शूट करूंगी। नव को भी रिवाइव करो, नव मर रहा है। चिकू तो हंसते हुए कहीं जंग जीत रहा है। गोली ऐसे कौन देता है? नवको लगी हो? अरे यार, ये साइड हो जाती है। अच्छा, वो गोकुल ना के? चाचू के पास तो खत्म ही हो गई, तो भी चाचू मार मारी कर रहे हैं। भैया एक बोरी ये लो। ओ, वो थी? ना बीते नहीं आना, नहीं लकड़ी पड़ी गई अगले। दिखा दो आपकी चोटी, घूमो, इधर आओ, यहाँ पे भी खड़े हैं, इधर आ जाओ, बता दो चोटी आपकी, ये आपकी चोटी बन गई है, पीछे घूमो, ये आपकी चोटी बन गई है। तो अब कर लेते हैं आरती और फिर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हेलो दिखाना पड़ता है ना, यू की चोटी कैसी बन रही है यूं। तो चलिए अब इसको रख देती हूँ मैं रूम में। सब जने आरती ले लो, सब जनों को माता जी की आरती। सब जनों ने आरती ले ली है, अब मैं ले लेती हूँ। हाँ तो ले लो, हमें नाता है। अब कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके, बाय।